सचिन और सारा की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला पायलट की। लाख मुश्किल और विरोध करने के बाद भी इन दोनों ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर इम्तिहान के बाद और भी निखर कर सामने आता है। और ऐसी ही थी सचिन पायलट और सारा पायलट की ये फिल्मी लव स्टोरी। जानकारी के लिए बता दें कि विदेश में पढ़ाई के दौरान सचिन और सारा की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इन दोनों ने शादी का फैसला लिया। लेकिन पॉपुलर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले सारा और सचिन हमेशा से ही अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बने रहे, क्योंकि उसके पीछे इनके अलग अलग कास्ट से होने के साथ साथ थी वजह इनकी बड़ी और वेल नोन पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों की पहली मुलाकात विदेश में पढ़ाई के दौरान हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें सचिन पायलट की वाइफ यानी कि सायरा पायलट की, तो सायरा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। जहां सचिन हिंदू परिवार से आते हैं, तो वहीं सायरा एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं, और इसी के चलते इन दोनों की शादी आसान नहीं थी। लेकिन अगर बात की जाए इनकी लव स्टोरी की, तो इन दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब ये दोनों अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। तब इन दोनों की मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे कि कई साल तक इनकी मुलाकात एक लॉन्ग डेटिंग में बदल गई। लेकिन कुछ दिन अफेयर चलने के बाद सचिन भारत वापस आ गए, मगर सारा उनके इंतजार में विदेश में ही रही। और इस बीच ये दोनों एक दूसरे से ईमेल और फोन के जरिए बातचीत किया करते थे। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया और अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने प्यार के बारे में बताया। सचिन और सारा भले ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों का मजहब इनके प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। जहां सचिन के परिवार वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे, तो वहीं सारा की फैमिली भी ये और मुश्किल भरा रहा था, क्योंकि एकदम ताल्लुक और घर बार ऑपोजिट था। खबरों की माने तो फारूक अब्दुल्ला ने सारा को इस बारे में बात करने से भी मना कर दिया था, लेकिन सारा जानती थी कि वो अपने पिता को मना लेंगी, क्योंकि उनके पिता उनसे बेशुमार मोहब्बत किया करते थे और वो जो भी मांगती थी उन्हें वो फौरन हासिल करवा दिया करते थे। बताया तो ये भी जाता है कि सारा कई दिनों तक रोती रही थी, लेकिन उनके पिता इस मामले पर नहीं माने। तो वहीं अगर बात करें खबरों के मुताबिक सारा की माँ की, तो उनके पिता सचिन को पहले से ही जानते थे और उन्हें पसंद भी करते थे, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से वो अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं करवाना चाहते थे। तो वहीं सारा ने भी कई महीनों तक अपने और सचिन के मिलने का इंतज़ार किया और अपने परिवार वालों को आखिर में राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इन दोनों के अलग अलग कास्ट से होने के चलते इनके पक्ष में नहीं हो रहा था। बाद में इन दोनों ने लाख कोशिश और मुश्किलों के बाद किसी की बिना परवाह किए 2004 में एक दूसरे से शादी कर ली। खबरों की माने तो अब्दुल्ला परिवार इन दोनों की शादी में शरीक भी नहीं हुआ और ना ही कई सालों तक सचिन को अपना दामाद के रूप में एक्सेप्ट किया। लेकिन सचिन के परिवार ने सारा को बेहद अपनी फैमिली जैसा अनुभव कराया और उनको बेहद प्यार भी दिया, और उनका साथ देते हुए उस समय अब्दुल्ला परिवार की ये शहजादी को अपने घर में इन्होंने अपना लिया। तो वहीं कुछ समय के बाद अब्दुल्ला परिवार ने भी इन दोनों का रिश्ता अपना लिया, और आज सचिन और सारा के दो बेटे हैं जिनका नाम आरान और विहान है, और ये सब अब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। तो भाई थी ना ये किसी भी फिल्मी स्टोरी जैसी कहानी। आपको क्या लगता है सचिन पायलट और सारा पायलट की इस फिल्मी लव स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। नेक्स्ट 9 लाइव से शिवानी की रिपोर्ट।